योगी सरकार के आदेश पर मस्जिदों को काली पन्नी से ढकने का काम जोरों पर है। सरकार के इस आदेश पर कई मुस्लिमों ने सहमति तो कई ने विरोध जताया है। वहीं शासन का आदेश मिलते ही संभल प्रशासन ने मस्जिदों को काली पन्नी से ढक दिया है। संभल में एकादशी पर्व पर रंग खेलने और जुलूस से पहले मस्जिदों को काली पन्नी से ढक दिया गया है। साथ ही मस्जिदों के आसपास बैरिकेडिंग करवा दी गई है। प्रशासन ने ऐसा इसलिए किया है जिससे कोई भी अराजक तत्व माहौल खराब करने के लिए मस्जिदों पर गुलाल या रंग ना फेंक सके। मुस्लिम समुदाय ने सरकार और पुलिस प्रशासन द्वारा उठाए गए इस कदम की प्रशंसा की है। वहीं रंग और जुलूस के दौरान मस्जिदों की हिफाजत के लिए किए गए इंतजाम को लेकर सीएम योगी का आभार जताया। नाम आपका इदरीस भाई, इस बार मस्जिदें ढकी जा रही हैं एकादशी के रंग को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? ये काम प्रशासन ने बड़ा अच्छा काम करा है। हाल फेरे ये होता था, कई छींटे आ गई, कुछ आ गया, झगड़े होते थे, फसाद होता था। अब तेरे पहली बार बहुत अच्छा काम करा है सरकार ने, और प्रशासन ने अपने सामने कोरबा साहब ने बहुत अच्छा काम करा है। सूरत साहब ने ये ऐसा झगड़ा शांति बनी रहेगा, बहुत अच्छा काम करा है। अब तो मस्जिदों पर रंग नहीं आएगा, अब नहीं आएगा। सारी मुसलमान जो मस्जिदें ढकी गई, आप उससे खुश हैं? कोई नाराजगी किसी तरह की? मुसलमान सबके दिलों से दुआ निकल गई है, पूरी प्रशासन ने अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया साहब। लोगों ने कहा कि दोनों समुदाय के बीच शांति रहे, इसके लिए हम पुलिस प्रशासन का सहयोग करते रहेंगे। बता दें कि पिछली होली पर एक ओर गुलाल उड़ रहा था तो दूसरी ओर जुमे की नमाज अदा हो रही थी। ऐसे में सुरक्षा के लिए भारी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती करनी पड़ी थी। अब इस बार प्लान ही कुछ ऐसा तैयार किया गया है कि मस्जिदों की हिफाजत भी हो गई और एकादशी पर्व पर रंग और जुलूस भी शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। वहीं दूसरी ओर होली से पहले उत्तर प्रदेश में मस्जिद मजारों को ढकने का काम तेज हो गया है। शाहजहांपुर में 67 मस्जिद मजार को तिरपाल से ढका जा रहा है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में लाट साहब का जुलूस निकाला जाता है। पुलिस और प्रशासन लाट साहब के जुलूस को शांतिपूर्ण तरीके से निकालने के लिए तैयारियां कर रही है। पुलिस के रास्ते में पड़ने वाली मस्जिदों और मजारों को पॉलीथीन से ढका जा रहा है। जुलूस के रास्ते में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। जैसे आपकी मस्जिद का आ गई है होली को त्यौहार को लेकर के संवेदनशील इलाके में, ये मस्जिद के आगे पीछे मतलब कवरिंग करी गई है, ये सरकार का जो कदम उठाया, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी, ये प्रशासन की तरफ से हुआ है सब कुछ। प्रशासन ने जो है हालात को देखते हुए, और जो भी मस्जिदें ऐसी जगहों पर हैं, रास्तों में हैं बिल्कुल, और होली का त्यौहार है, इसमें रंग इधर उधर चला जाता है, तो उसको देखते हुए प्रशासन ने खुद अपना कदम उठा के अच्छा काम किया है, और ताकि कोई भी किसी तरीके का इतना फसाद ना हो, आपसी भाईचारगी रहे। और आगे इसलिए लगा दी गई है कि बाई चांस छींटे चली जाएं तो वो मस्जिद तक ना जा पाएं, बाहर ही रहें, इसलिए प्रशासन ने जो ये कदम उठाया है, बहुत अच्छा कदम उठाया है। जैसे आज एक एकादशी का रंग चल रहा है तो, और आज जुमा भी है, तो इसमें कोई किसी तरह की दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, देखिए पहले से ही किसी तरीके की होली के टाइम पर हमारी एक रात वाली मस्जिद में कोई शिकायत नहीं मिली। एक बार ऐसा हुआ भी तो वो किसी वैसे ही तत्व ने कर दिया था, लेकिन अभी तक मुझे भी यहाँ पर 5 साल हो गए हैं, कोई किसी तरीके का ऐसा इस साल तो कुछ नहीं हुआ। जी, इस साल कुछ नहीं हुआ, बहुत अच्छा मामला हुआ, और प्रशासन की तरफ से जो ये पिन्नी वगैरह लगाई गई है वो उन्होंने खुद अपने तरफ से ही लगाई है, सारा काम अपनी तरफ से किया है, तो ये सही काम है। आपने प्रशासन का पूरा सहयोग किया। जी, बता दें कि शाहजहांपुर में अंग्रेजों के जमाने से ही होली के दिन लाट साहब का जुलूस निकाला जाता है। शुरुआत में यह जुलूस अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश व विरोध प्रकट करने के लिए निकाला जाता था। आज़ादी से पहले इलाके के नवाब भी जुलूस का हिस्सा हुआ करते थे। अंग्रेजों के भारत से जाने के बाद भी जुलूस का सिलसिला जारी रखा गया। अब किसी भी शख्स को अंग्रेज ऑफिसर बनाकर जुलूस निकाला जाता है। वहीं प्रदेश भर में जुलूस निकालने के दौरान मस्जिदों को ढकने को लेकर कुछ मुस्लिमों ने विरोध भी जताया है। उनका कहना है कि मस्जिद मजारों को ढकने के बजाय प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करनी चाहिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।